हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी टाइम्स विद किड जोन। आज है पपेट शो। आप सबको बहुत ज्यादा पसंद है पपेट शो। आज जो हम स्टोरी दिखा रहे हैं आपको, उसका टाइटल है द हेयर एंड द टॉर्टोइस, खरगोश और कछुए की रेस। हमारा खरगोश तैयार है, हमारा कछुआ भी तैयार है, सो लेट अस स्टार्ट। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के अंदर टॉर्टोइस रहता था और जंगल में हमारा नटखट रैबिट रहता था। एक दिन रैबिट को अपने अंदर घमंड आ गया कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, और वो टॉर्टोइस के पास गया और झगड़ा करने लगा कि तुम तो बहुत धीरे चलते हो, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा एनिमल हूँ। ये झगड़ा सुनकर तालाब में से तालाब का राजा फ्रॉग आया। वो बोला, अरे तुम लोग कितना झगड़ा करते हो, थोड़ा कम झगड़ो, क्या बात हो गई है। तो फिर रैबिट और टॉर्टोइस ने अपनी अपनी बात रखी। तब ये जो तालाब का राजा था वो बोला, अच्छा तो एक काम करते हैं, कल एक रेस रखते हैं, जो उस रेस में फर्स्ट आएगा वही सही होगा, लेकिन जो हार गया उसे बुरा नहीं मानना है, उसको अपनी गलती स्वीकार करके फ्रेंड्स बने रहना है। दोनों तैयार हो गए। तो फिर बच्चों, आपको पता है कल रेस होने वाली है और उस रेस की मुझे तैयारी भी करनी है, उस रेस की ट्रैक बनानी है, वहाँ पे फाइनल राउंड के लिए फाइनल रिबन भी लगाना है, तो चलो तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद वो फ्रॉग किंग ने ये ट्रैक तैयार किया और वो एंड में जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वहाँ पे टॉर्टोइस आया और वहाँ पे रैबिट भी आया। जब फ्रॉग किंग ने बोला रेडी 1 2 3, तो रैबिट बहुत तेज भागता हुआ आगे बढ़ गया और जो टॉर्टोइस था वो धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। रैबिट जो बहुत तेज भाग रहा था थोड़ी देर में थक गया। उसको एक चट्टान दिखाई दी। वो उसके पास गया और सोचा, चलो थोड़ी देर आराम करता हूँ, और वहीं पे सो गया। जो टॉर्टोइस था वो स्लोली चलता, जब रैबिट के पास से गुजरा उसने देखा वो सो रहा है। अरे ये तो सो रहा है, चलो मैं आगे चलता हूँ। और धीरे धीरे चलते वहां पे पहुंच गया। फिनिशिंग लाइन पे जाके उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, और वो मैं जीत गया, और वो बहुत खुश होके फिनिशिंग लाइन पार कर गया। तभी वहां पे जो एनिमल्स खड़े थे, कैट थी, हमारा मंकी खड़ा था, और साथ में उनका फ्रेंड जो है रैट वो भी खड़ा था, सबने क्लैपिंग करी। ये जब क्लैपिंग की आवाज हुई तो रैबिट की नींद उड़ी। वो बोला, अरे मैं तो लेट हो गया। जब वो दौड़ता हुआ पहुंचा तो उसने देखा सब लोग वहां पे डांसी डांसी कर रहे हैं। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा, मुझे झगड़ना नहीं चाहिए। तब जो फ्रॉग किंग था वो बोला, देखा आपने बच्चों, हमें अपनी शान जो है वो नहीं दिखानी चाहिए, आराम से काम करना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कि हम चाहे कितने भी चतुर चलाक हों, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैबिट ने घमंड किया और वो हार गया और टॉर्टोइस वो जीत गया क्योंकि वो समझदार था। रैबिट ने सॉरी बोला और बोला, अब हम फिर से फ्रेंड्स।
टॉर्टोइस है। तब ये सब बोले ये। तो आपने देखा, कछुए ने अपनी पेशेंस और हार्ड वर्क से फिनिश लाइन पहले क्रॉस कर ली और रैबिट पीछे रह गया। होप यू एंजॉयड इट।